डॉक्टर केस में कितने कत्ल, नए खुलासे से उलझी मर्डर मिस्ट्री। कोलकाता के आर्चिकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की मर्डर की मिस्ट्री और उलझती जा रही है। डॉक्टर सिरेप और हत्या केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का आरोपी संजय रॉय दबोच लिया गया है। इस बीच डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई का एक एक्शन भी शुरू हो चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने आर्चिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आज सीबीआई की टीम कोलकाता में है और डॉक्टर मर्डर केस की जांच कर रही है। इस बीच डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आर्चिकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में परिवार के दावे ने गुत्थी को और उलझा दिया है। मृतक डॉक्टर की फैमिली का दावा है कि उसकी हत्या में संजय रॉय अकेला नहीं हो सकता। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना किसी अकेले व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में आरोपी संजय रॉय के साथ कोई और भी था। हालांकि सीबीआई जांच से पहले कोलकाता पुलिस की जांच में ये बात सामने आ गई थी कि अस्पताल के पीछे जब आरोपी संजय वारदात वाली रात शराब पी रहा था तब उसके साथ एक और शख्स था। हालांकि पुलिस ने साफ किया था कि वो एक मरीज का रिश्तेदार था। तो चलिए इस कांड की पूरी थ्योरी को समझने की हम कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए कि आखिर संजय ने क्या क्या किया है। कोलकाता पुलिस की जांच के मुताबिक आरोपी संजय रॉय 8 अगस्त को आर्चिकर अस्पताल में ही था। संजय कोलकाता पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट वाला सपोर्टिंग स्टाफ था। अस्पताल में मरीजों के प्रवेश की सुविधा के लिए उसे आरजी के माध्यम से मुक्त आवाजाही की सुविधा थी। उस दिन भी उसने एक मरीज को भर्ती करवाया था। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मरीज को भर्ती करवाने के बाद वो अस्पताल से चला गया और देर रात वापस लौट गया। शराब साथ में पीने वाला कौन, सवाल ये अहम है। 8 अगस्त को रात करीब 11 बजे आरोपी संजय उसी मरीज के एक्सरे में मदद करने के लिए आरजीकर अस्पताल लौटा था। उस वक्त मरीज का परिवार उसके साथ था। उसने साथ कुछ मिनट बिताने के बाद संजय रॉय अस्पताल से चला गया। इसके बाद 9 अगस्त के भोर यानी तड़के संजय एक अन्य मरीज की मदद करने के लिए लगभग 1 बजे वापस अस्पताल लौटा जिसकी सर्जरी होनी थी। इस रोगी की सहायता करने के बाद वो अस्पताल परिसर में ही रहा। इसके बाद उसी वक्त उसने अस्पताल भवन के पीछे रोगी के एक रिश्तेदार के साथ शराब पी थी। अब सवाल यह है कि क्या वो रिश्तेदार जानता है कत्ल के राज, जिसके साथ में शराब पी थी? वो कौन है? क्या उससे मिलेंगे हम सुराग? सीबीआई कस्टडी में संजय रॉय इसके बाद उसी रात को सुबह सुबह 3 बजे आरोपी संजय हॉस्पिटल के चेस्ट फिजिशियन विभाग के तीसरी मंजिल पर वापस जाता है। वो कुछ ही मिनटों में सेमिनार हॉल में प्रवेश करता है जहां ट्रेनी महिला डॉक्टर आराम कर रही थी। यहीं पर उस डॉक्टर के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि करीब 40 से 45 मिनट के बाद यहां से संजय सेमिनार हॉल से चला गया। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय सुबह 4:37 के आसपास अस्पताल परिसर से बाहर निकलते देखा गया। फिर वो अपने बैरक में लौट गया और सो गया। उस सुबह सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने और उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखने के बाद कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को बैरक से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सीबीआई ने संजय रॉय को अपनी कस्टडी में ले ली है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द पूछताछ में पता चल जाएगा कि आखिर दूसरा शख्स कौन था वहां पे।